हेलो दोस्तों, मैं हूं एमटी, बात करता हूं टेक की और आप देख रहे हैं मनी कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं टेक और टेक्नोलॉजी की। और जो हमारी सीरीज चल रही है हाउ टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव, इसकी ये तीसरी वीडियो है। फ्रेंड ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम थर्ड पार्टी के थ्रू अपना बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। फ्रेंड तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं सिस्टम के स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और इसके लिए हमें खोलना होगा अपना ब्राउजर। फ्रेंड ब्राउजर को खोल लिया हमने। अब हम एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, इस एप्लीकेशन का नाम rufus.ie। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं ये खुला हुआ है। आना है यहाँ और जो आपको डाउनलोड करना है, जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है, वो आप डाउनलोड की। सबसे ऊपर वाला हम डाउनलोड करते हैं। फ्रेंड तो ये 32 बिट का है जिसे वो 86 बिट लिखता है। आप डजंट मैटर, से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसे हम करेंगे क्लिक, ये डाउनलोड हो गया। फ्रेंड पहली बात कि ये मैंने इसलिए किया कि आपको दिखा सकूं। अब फ्रेंड विंडोज की एक सीडी का कॉपी चाहिए, मतलब आईएसओ फाइल चाहिए। आप आईएसओ फाइल कहां से मिलेगी फ्रेंड? तो उसके लिए हमें जाना होगा ब्राउजर में। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में सर्च करेंगे विंडोज 10 और फिर उसके ऑफिशियल साइट पे हम क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं फ्रेंड अपग्रेड और डाउनलोड टूल नाउ आप क्लिक कीजिए, वहां से आप अपग्रेड वाली फाइल भी डाउनलोड कर। ये फाइल खुल जाती है, इसे डबल क्लिक करेंगे फ्रेंड ये चालू हो जाएगी कुछ ऐसे। और फ्रेंड कुछ देर बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन एक्सेप्ट हो जाएगा, जिसमें आपको नेक्स्ट अपग्रेड करना है। फ्रेंड तो देखिए पीसी पे और नहीं तो क्रिएट न्यू आईडी पे करके नेक्स्ट कर देना है, फिर आपको आईएसओ पे नेक्स्ट कर देना है। आईएसओ पे नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड आप जो नाम देना चाहते हैं करके नेक्स्ट कर दीजिए और ये प्रोसेस डाउनलोडिंग का आपका होने लगता है। और ये होने के बाद आप इसे फिनिश कर लें फ्रेंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट करते ही आपके डिवाइस पे ऐसे डाउनलोड का सिंबल आ जाएगा कि वो डाउनलोड हो चुका। अब फ्रेंड ये दोनों चीजें जब हमारे पास आ चुकी हैं तो अब आगे काम करना है। इसे मैंने किया ओपन, तो एडमिनिस्ट्रेटर राइट मांगता है फ्रेंड, आपसे पूछेगा यस आर नो, तो आप यस कर देना। अब यस करके ये कुछ ऐसे खुल जाता है। फ्रेंड इसके लिए एक और चीज मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो एक आप नॉर्मल सी कोई भी पेन ड्राइव जो कि 8 GB के ऊपर की हो या 8 GB की हो वो लगा दें, उसके बाद इस एप्लीकेशन को खोलिए। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये हमने ये खोल लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है। तो पेन ड्राइव ऑलरेडी जब लगी है तो तुरंत सेलेक्ट कर लेता है डिवाइस, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी लगाते हैं कोई बात। फाइल बूटेबल बनाना है मुझे, तो इमेज सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे इमेज वाले ऑप्शन पे हम करके सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड डेस्कटॉप पे ही मैंने रखा है, मैंने क्लिक किया ओपन कर दिया। फ्रेंड मैक्सिमम चीजें अपने आप उठा लेता है। स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन GPT बेहतर है, UEFI बेहतर है। कुछ सिस्टम्स में MBR सपोर्ट करता है, कुछ में GPT। तो वो आपको जब बूटेबल पेन ड्राइव आप बनाओगे फ्रेंड तो उसको देख लेना होगा कि आपके सिस्टम में कौन सा सपोर्ट करता है। और डजंट मैटर, अगर आपने GPT से बना दिया है और आपका MBR सपोर्ट करता है तो कोई नहीं, फिर आपको लगाना है और ये प्रोसेस में बस आपको ये MBR कन्वर्ट कर लेना है। फ्रेंड यहाँ हम नाम दे सकते हैं विंडोज 10, 11 जो भी नाम देना चाहें, मैं यही नाम रहने देता हूँ। अब यहाँ क्या सपोर्ट करेगा वो ऑलरेडी चूज कर लेता है सिस्टम। और ये स्पीड भी डिफॉल्ट में आप रहने दीजिए, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं। अब हम बस इसे फ्रेंड स्टार्ट करेंगे और ये कुछ चीज़ें पूछता है, मैं ओके कर दूंगा और फिर मैं इसे ओके कर दूंगा। फ्रेंड कुछ नहीं, बस वेट कीजिए कि ये प्रोसेस यहाँ तक हो जाए। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो आप तुरंत एक इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। और हाँ, पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके उसके बगल में बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबा लीजिए। उससे होता क्या है ना कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। डजंट मैटर, हम कुछ देर वेट करते हैं फ्रेंड ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड ये हो गया है रेडी और अब हम इसे करेंगे यहाँ से क्लोज। और जब क्लोज हो गया फ्रेंड तो अब हम चलते हैं फ्रेंड बात करें कि ये तो बन गया, आप कैसे चेक करें। इस कंप्यूटर में जाएंगे फ्रेंड और यहाँ ये देखिए ये पेन ड्राइव दिखा रहा है, हमने इसे निकाला फिर हमने लगा दिया। अब फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव के रूप में दिखाने लगा। फ्रेंड इसका यूज करके फॉर्मेट कैसे करना है तो डजंट मैटर, मैं आपको वो भी बताऊं। अगली वीडियो यही होगी कि हम इस पेन ड्राइव का यूज करके फॉर्मेट कैसे करें एक ऐसे सिस्टम को जो करप्ट हो चुका है। बाय।